लड़की पटा देते इसके लिए, सेक्स के लिए लड़की को पटा देते, सेक्स करेंगे फिर छोड़ेंगे। कितना करना है? हाँ। हजार पे शॉर्ट। इधर आओ ना। क्या क्या? हजार पे शॉर्ट का। शॉर्ट का हजार? बस कहाँ से हो? यहाँ से। कहाँ से? कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से? तेरी बहन की। कश्मीर की सोसाइटी, कश्मीर की शादी और कश्मीर के हालात इंसान को मजबूर करते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सबका सही जा रहा होगा। तो मेहरबानी करके लिए जो ये वीडियो देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करके लिए ये वीडियो पूरा देखना। मैं जो भी कहूँगा मेहरबानी करके लिए उसको समझना, कोई कमेंट में गाली नहीं देना। जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच है, आप लोग खुद जानते हो कि ऐसा होता है। तो चलो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। करना है। और जो भी ये चल रहा है ना कश्मीर में, ये जो भी चल रहा है ये हमारी सोसाइटी की वजह से, जो आजकल शादियां होती है उसकी वजह से, दहेज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। या तो जो गरीब की बेटी है वो सुसाइड करती है, या फिर वो ये गंदा काम करती है। कोई भी लड़की अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती है, बट उसको मजबूर करते हालात, उसको प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, शादी की टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ तुम लोगों को खुद भी पता है कि जब भी कोई लड़की किसी लड़के को मदद मांगती है तो लड़का उसको कहता है कि मैं मदद करूंगा लेकिन मुझे मिलेगा क्या, यही बोलते हैं। मैं नहीं सब की बात कर रहा हूँ, सब लड़कों की मैं कह रहा हूँ, लेकिन होता ऐसा ही है। इस दुनिया में कोई भी सही नहीं है, बस सही वो है जो कम गलत है। और कश्मीर में यहाँ के बड़े भी गलत है, यहाँ के छोटे भी गलत है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं जो इंसान को गलत करने पर मजबूर कर देते हैं। ये जो भी कश्मीर में चल रहा है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का साथ नहीं दे रहा हूँ, बट मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, जो सच है वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई लड़की किसी के पास मदद मांगने जाती है तो वो लड़का उसको कहता है मुझे क्या मिलेगा। इंसानियत खत्म हो गई है। कोई भी इंसान माँ के पेट से गलत पैदा नहीं होता है, न कोई लड़का चोर पैदा होता है, ड्रग एडिक्ट पैदा होता है, न कोई लड़की प्रोस्टिट्यूट पैदा होती है माँ के पेट से। बस इंसान गलत बनता है इस दुनिया में, हालात उसे गलत बना देती है, हालात उसे मजबूर करते हैं गलत काम करने के लिए। बट सही बिल्कुल भी नहीं है गलत काम को चुनना, क्योंकि ये जो भी काम कर रहे हैं ना लोग, मुझे पता है हर किसी ना किसी की मजबूरी होती है, अपनी मजबूरी होती है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी में घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो फिर मजबूर होकर ऐसा काम करता है। बट इस काम में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, ना इस काम में इज्जत है, ना इस काम में रब राजी है। कश्मीर की सोसाइटी, कश्मीर की शादी और कश्मीर के हालात इंसान को मजबूर करते हैं ऐसा गलत काम करने के लिए। कश्मीर के हालात, सबसे ज्यादा कश्मीर के हालात, क्योंकि ये 6 साल लॉकडाउन, कोरोना, कर्फ्यू, सिर्फ हमको 6 साल बंद हो गए। गरीब इंसान जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। इन लड़कियों को मजबूर कश्मीर की सोसाइटी ने किया, जो आजकल दहेज मांगते हैं, निकाह को बहुत महंगा किया। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, निकाह करियो आसान, मगर आजकल क्या चल रहा है, शादी में वो सारी चीजें होती है जो फिर जाया होती है। जो बड़ा इंसान होता है वो सारी चीजें मैनेज कर सकता है, बट जो गरीब होता है वो नहीं कर पाएगा मैनेज। फिर उसकी बेटियां मजबूर होती है, या सुसाइड करती है वो, या वो ये गंदा काम करती है। ये सब भी चल रहा है ना कश्मीर में, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, क्योंकि हम लोगों ने निकाह को बहुत महंगा किया। और मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर करने जाते थे, वो इस चीज को रोकने नहीं जाते थे। आप लोग जानते खुद भी हो, अभी तो सारे लोग दहली जाते थे या फोन पे करते थे, या अपनी गर्लफ्रेंड को, या लड़की पटा देते इसके लिए, सेक्स के लिए लड़की को पटा देते, सेक्स करेंगे फिर छोड़ेंगे। फिर जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लड़कों को एड्रेस पता चली कि कहां पर है, कहां जाना है, कहां करना है। और इस चीज में खाली लड़कियां इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यहां के लड़के भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे लड़के यहां के इन्वॉल्व है। उम्मीद है मुझे कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।